चाहिए वो बेदा। एक कहानी सुनाओ सर। एक कहानी सुनाने दीजिए ना। जेम्स बॉन्ड लग रहा हूं ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में से एक विक्रम वेदा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विक्रम वेदा तमिल भाषा में बनी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो 21 जुलाई 2017 में रिलीज की गई थी। फिल्म में आर माधवन, विजय सेतुपति और श्रद्धा श्रीनाथ जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ की जोड़ी पुष्कर और गायत्री ने मिलकर किया था और फिल्म की कहानी भी इन दोनों ने साथ में ही लिखी थी। इसके अलावा फिल्म के प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म को एस शशिकांत ने प्रोड्यूस किया था। क्योंकि फिल्म का सस्पेंस और थ्रिल ही फिल्म का प्लस पॉइंट था, इसलिए फिल्म का म्यूजिक कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। इस फिल्म का म्यूजिक सैम सी एस ने कंपोज किया था। फिल्म में छोटे और बड़े सभी गानों को मिलाकर 10 गाने रखे गए थे, लेकिन फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। दोस्तों, इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले थे। यहाँ तक कि पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 8.6 की ज़बरदस्त रेटिंग दी हुई है। इसके अलावा ये फिल्म दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आई थी। हालांकि फिल्म की रिलीज के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने GST लागू कर दिया था, जिसके बाद टिकट की प्राइस काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों ने ये फिल्म थिएटरों में जाकर देखी। इसका नतीजा ये निकला कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, अब इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। विक्रम वेदा को करीब 11 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों, विक्रम वेदा साल 2017 में रिलीज हुई छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी थी। ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ ये फिल्म कई सारे अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही। इस फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी में कुल मिलाकर 46 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें से इस फिल्म ने 19 अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बेताल पच्चीसी की लोक कथाओं से इंस्पायर्ड है। जिस तरह विक्रम और बेताल की कहानियों में बेताल विक्रम को हर बार एक नई कहानी सुनाता है, उसी तरह इस फिल्म में भी वेदा विक्रम को हर बार एक नई कहानी सुनाता है। फिल्म में विक्रम के किरदार में आर माधवन नजर आए हैं और वेदा का रोल विजय सेतुपति ने प्ले किया है। जहां विक्रम एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वहीं वेदा एक क्रिमिनल होता है जो एक दिन अचानक विक्रम के सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन वो विक्रम के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसकी कहानियां सुनेगा और इसके बाद ही उसके बारे में फैसला लेगा कि वो सही है या गलत। लेकिन वेदा हर बार नई कहानी में विक्रम को कन्फ्यूज करता रहता है। फिल्म का यही पार्ट दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। इसके अलावा फिल्म का सस्पेंस भी एकदम कमाल का रखा गया है, जो एंड में दर्शकों को चौंका देता है। फिल्म के डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री ने विक्रम वेदा को मिलाकर कुल 3 फिल्मों का डायरेक्शन किया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म ओरम्पो से की थी। ये एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें लीड रोल में आर्या नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद साल 2010 में इन दोनों ने फिल्म वॉक क्वार्टर कटिंग भी बनाई थी। इस फिल्म में सिवाल लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद पुष्कर और गायत्री ने कई सालों का ब्रेक लिया, क्योंकि वो इस बार कोई सीरियस फिल्म बनाना चाहते थे। इसी बीच दोनों ने मिलकर विक्रम वेदा की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। साल 2015 में दोनों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद साल 2016 तक फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई थी। विक्रम वेदा की कास्टिंग की बात करें तो एक बार गायत्री और पुष्कर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि इस फिल्म में वेदा के रोल के लिए उनके दिमाग में सबसे पहले विजय सेतुपति का ही नाम आया था। बल्कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने कई बार विजय सेतुपति को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। इसके बाद विक्रम के रोल के लिए आर माधवन का सिलेक्शन विजय सेतुपति के बाद ही हुआ था।
दरअसल एक बार पुष्कर और गायत्री आर माधवन से उनकी फिल्म साला खड़ूस के सेट पर मिले थे। वहीं पर उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि अपनी फिल्म में विक्रम वाले रोल के लिए वो माधवन को ही लेंगे। दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के लीड एक्टर्स आर माधवन और विजय सेतुपति की मुलाकात पहली बार विक्रम वेदा के सेट पर ही हुई थी। इससे पहले ये दोनों रियल लाइफ में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। यहाँ तक कि इससे पहले इन्होंने कभी भी एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात नहीं की थी। दोस्तों इस फिल्म के लिए आर माधवन को एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखना था, जिसके लिए उन्हें अपना वेट कम करना पड़ा था, क्योंकि वो अपनी पिछली फिल्म साला खड़ूस में एक रेसलर बने थे, जिसके लिए उन्होंने अपना वेट काफ़ी बढ़ाया था। इस दौरान उन्होंने वेट कम करने के लिए वर्कआउट नहीं किया, बल्कि अपनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की थी। बताया जाता है कि वो खाना खाने के बाद 5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते थे। इसके अलावा शाम को भी वो 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते थे। सिर्फ इसी डाइट को फॉलो करने से ही उनका वेट कम हो गया था। फिल्म में विजय सेतुपति को 4 अलग अलग अवतारों में दिखाया गया है। 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक के किरदार में विजय सेतुपति अलग अलग गैंगस्टर के रूप में नजर आए हैं। दोस्तों आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि विक्रम वेदा में एक सीक्वेंस को शूट करने के लिए 3000 से भी ज्यादा बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों इस फिल्म में माधवन के द्वारा निभाया गया विक्रम का किरदार किसी भी क्रिमिनल को मारने के लिए 2 बार शूट करता है। फिल्म में यह उसका सिग्नेचर स्टाइल दिखाया गया है। अगर आप दोबारा इस फिल्म को देखेंगे तो इस चीज को जरूर गौर कीजिएगा। विक्रम वेदा में पुलिस की तरफ से इस्तेमाल की गई बंदूकें ओरिजिनल थी, जो स्पेशली तमिलनाडु पुलिस फोर्स की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी। दोस्तों आप में से शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर माधवन मैजिक ट्रिक दिखाने में काफ़ी माहिर है, इसलिए शूटिंग से ब्रेक लेने के बाद वो अक्सर स्टाफ और क्रू मेंबर के सामने अपनी मैजिक ट्रिक दिखाया करते थे। इसका खुलासा फिल्म की टीम में से कई क्रू मेंबर ने किया है। दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग के लिए मेकर्स की तरफ से 53 दिन का टाइट शेड्यूल दिया गया था, जिसके अंडर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए थे, इसलिए कई बार विजय सेतुपति अपने एक फैन के यहाँ से आया हुआ खाना खाया करते थे। इसका खुलासा वो एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। विक्रम वेदा में दिखाए गए वॉयलेंस की वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पहले ए सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन मेकर्स चाहते थे कि इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिले, ताकि ये एक फैमिली फिल्म बन सके और सभी लोग इस फिल्म को देख सकें। इसके लिए प्रोड्यूसर वापस सेंसर बोर्ड गए और फिल्म में कुछ सीन काटने के बाद उन्हें यूए सर्टिफिकेट मिल गया था। दोस्तों पहले इस फिल्म की रिलीज डेट 7 जुलाई 2017 फिक्स की गई थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से GST लागू करने की वजह से तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की तरफ से स्ट्राइक कर दी गई थी, जिसके बाद इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 21 जुलाई करनी पड़ी। इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर 22 जून 2017 में रिलीज किया गया था। बता दें फिल्म का ट्रेलर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और तमिल एक्टर शिवा कार्तिकेयन ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू लॉन्च किया था। गैस इस फिल्म की हिंदी डबिंग के राइट्स गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने खरीदे थे, जिसके बाद 10 जून 2018 में विक्रम वेदा नाम से ही इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया था। फिल्म को यूट्यूब और टीवी दोनों पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक के राइट्स बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने फिल्म के रिलीज होते ही खरीद लिए थे। साल 2019 में इस फिल्म को लेकर कई ऐसी खबरें आई थी कि इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए आमिर खान और सैफ अली खान को साइन कर लिया गया है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि विक्रम के किरदार में सैफ अली खान और वेदा के किरदार में आमिर खान नजर आएंगे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक का डायरेक्शन भी ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर और राइटर गायत्री और पुष्कर ही करेंगे। बताया जा रहा है कि आमिर खान इस फिल्म के लिए हाँ कर चुके हैं, लेकिन अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा में बिजी होने की वजह से इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं की जा सकती। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग खत्म होने के बाद इस फिल्म को लेकर आमिर खान कोई फैसला सुना सकते हैं। वैसे अगर सैफ अली खान भी इस फिल्म के लिए हाँ कर देते हैं तो इन दोनों को काफ़ी समय बाद बड़े पर्दे पर एक साथ देखा जाएगा। बता दें सैफ अली खान और आमिर खान अभी तक 2 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। इन दोनों को 1993 में रिलीज हुई फिल्म परंपरा और 2001 में रिलीज हुई फिल्म दिल चाहता है में एक साथ देखा गया था, इसलिए विक्रम वेदा में ये दोनों करीब 19 साल बाद एक साथ नजर आएंगे। दोस्तों इन सब के अलावा कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि फिल्म के राइटर और डायरेक्टर गायत्री और पुष्कर विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक में सबसे पहले आर माधवन और शाहरुख खान को लेना चाहते थे,
जिसके बाद माधवन और शाहरुख की इस बारे में लंबी बातचीत भी हुई थी। लेकिन नीरज पांडे इस फिल्म को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ कोई दूसरा सुपरस्टार काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए सैफ अली खान की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना यह है कि क्या विक्रम वेदा का रीमेक बॉलीवुड में बन पाएगा या नहीं। अगर बनता है तो कौन कौन से एक्टर्स इस फिल्म में काम करने को तैयार होते हैं। दोस्तों, अगर बॉलीवुड में विक्रम वेदा का रीमेक बनता है तो आर माधवन और विजय सेतुपति की जगह बॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो इन दोनों के रोल के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ विक्रम वेदा फिल्म से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।